हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 प्रभा वर्कबुक इंग्लिश क्लास 7। तो चलिए इसको देख लेते हैं और बाकी की वर्कशीट्स जो हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, अरेंज दी वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। मतलब जब हम डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखेंगे तो ये हमें किस तरीके से मिलेंगे देखने को, वो हमें इसको इनमें करना है। तो सबसे पहले हमें जो वर्ड दिए हुए हैं वो हैं आंट, एप्पल, एनिमल, अरेंज, एक्सेप्ट। तो अब हम इन वर्ड्स को जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक्सेप्ट, देन एनिमल, देन आंट, देन एप्पल और देन अरेंज। ओके, अगला दिया हुआ है कैट, कैटल, केक, कॉटन और कैमरा। और जब हम इनको डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो हमें कैसे मिलेंगे, केक, कैमरा, कैट, कैटल और लास्ट में कॉटन। ठीक है, अगला डॉग, डंकी, डियर, डिनर, डोर। और जब हम इनको डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें किस सीरीज़ में मिलेंगे ये, डियर, डिनर, डॉग, डंकी एंड डोर। इसके बाद अगला है पैरट, पेयर, प्लांट, पार्टी, पर्स। तो इनको जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो ये हमें कैसे मिलेंगे, पेयर, पैरट, पार्टी, प्लांट और पर्स। फिर अगला दिया हुआ है हमें सीट, सीन, सैंड, सर्च, सीजन। ठीक है, तो जब हम इनको डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें कैसे मिलेंगे, सर्च, सीजन, सीट, सीन और सैंड। ठीक है, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं ये वर्ड्स हमने, जो कि हमें इसी तरह हमें डिक्शनरी में मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द वीक डेज इन द डिक्शनरी ऑर्डर। अब जो सप्ताह के नाम होते हैं, वीक्स के नेम होते हैं, उनको भी हमें डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, फ्राइडे, देन मंडे, देन सैटरडे, देन संडे, देन थर्सडे, देन ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।